नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरिणिमा द्विवेदी। फायदे के फंड के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल है, ऊपरी स्तरों पर बाजार टिक नहीं पा रहा। इसका बड़ा कारण विदेशी निवेशकों की ओर से भारतीय बाजार में बिकवाली है। अक्टूबर में अब तक विदेशी निवेशक 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाल चुके हैं। ऐसे में DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार को संभाल रखा है। DIIs की ओर से लगातार खरीदारी जारी है। अक्टूबर में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 70,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की है। अगर DIIs की बात करें तो DIIs ने म्यूचुअल फंड हाउसेस और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां भी शामिल हैं। जिस गति से, जिस स्पीड से म्यूचुअल फंड्स न्यू ऑफर ला रहे हैं, उसे देखते हुए बाजार में गिरावट लंबे समय तक टिक पाएगी ये मुश्किल लग रहा है। क्यों कह रहे हैं ऐसा, चलिए हम आपको बताते हैं। अभी 16 न्यू फंड ऑफर आए हैं। इनमें से 6 एक्टिव मैनेज्ड फंड्स हैं, बाकी 10 पैसिव फंड्स हैं। यहां आपको ये भी बता देते हैं कि एक्टिव और पैसिव फंड्स आखिर होते क्या हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप और थीमेटिक फंड्स एक्टिव फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ ये फंड्स पैसा सीधे शेयरों में लगाते हैं। वहीं पैसिव फंड्स को इंडेक्स फंड्स भी कहते हैं। पैसिव फंड्स इंडेक्स में पैसा लगाते हैं। जो 16 NFO अभी चल रहे हैं, उनकी डिटेल भी अब हम आपको इस रिपोर्ट में दे देते हैं। 6 एक्टिव फंड्स में कोटक MNC फंड है। ये एक थीमेटिक फंड है जो 7 अक्टूबर को खुला था और 21 अक्टूबर तक ये चलेगा। सैमको मल्टी कैप फंड है, ये भी मल्टी कैप एक फंड है जो 10 अक्टूबर को खुला था और 24 अक्टूबर इसमें आखिरी तारीख है पैसा लगाने की। हेलियोस लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात की जाए तो ये 10 अक्टूबर को खुला था और 24 अक्टूबर इसकी क्लोजिंग डेट है। मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड के बारे में आपको बता देते हैं। ये एक सेक्टोरल फंड है, टेक्नोलॉजी का फंड है और 11 अक्टूबर को ये खुला था। इसे 25 अक्टूबर को आखिरी डेट है पैसा लगाने की। ट्रस्ट MF स्मॉल कैप फंड की बात कर लेते हैं। इक्विटी स्मॉल कैप फंड है, ये 11 अक्टूबर को खुला था और 25 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएगा। WOC ESG बेस्ट इन क्लास स्ट्रैटेजी फंड, ये एक थीमेटिक फंड है और ये भी 11 अक्टूबर को खुला था और 25 अक्टूबर को इसकी क्लोजिंग है। ये वो फंड्स थे जो एक्टिवली मैनेज और आपके निवेश के लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं। ये तो रही एक्टिव फंड्स के न्यू ऑफर की डिटेल्स। अब आते हैं पैसिव फंड्स की डिटेल पर। 10 पैसिव फंड्स के न्यू ऑफर चल रहे हैं। इनमें से 3 NFO हैं। एक्सेस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड, मेरे एसेट निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, मेरे एसेट निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। ये फंड्स 18 अक्टूबर को ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। बाकी के फंड्स की हम आपको डिटेल यहां पर दिखा रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि कुछ फंड्स हैं जो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, ये पैसिव फंड्स हैं और इनकी क्लोजिंग डेट भी हम आपको यहां पर दिखाते जा रहे हैं। तो ये 10 पैसिव फंड्स थे जिनके बारे में हमने आपको इनकी डिटेल्स दी कि ये कब ओपन हुए थे, कब क्लोज हो चुके थे। इनमें से 3 फंड्स ऑलरेडी 18 अक्टूबर को यानी बीते शुक्रवार को क्लोज हो चुके हैं और बाकी के फंड्स में अभी भी मौका है, लोग पैसा लगा रहे हैं और इनकी क्लोजिंग डेट लगभग 25 अक्टूबर के आसपास की है। तो ये तो रही पैसिव फंड्स के न्यू ऑफर्स की डिटेल। अब आते हैं वापस बाजार पर। वैसे देखा जाए तो निवेशक लंबी अवधि के लिए, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं। उनको बाजार के उतार चढ़ाव से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लंबे ड्यूरेशन में देखेंगे तो निवेशकों को अच्छा रिटर्न ही मिला है, लेकिन सवाल इस बात का कि जब म्यूचुअल फंड्स के पास लगातार पैसा आ रहा है और ये पैसा आज नहीं तो कल बाजार में लगेगा, तो ऐसे में जो निवेशक बाजार के इस उतार चढ़ाव से डर कर पैसा नहीं लगा रहे हैं, क्या वो गलती कर रहे हैं? दिख तो ऐसा ही रहा है कि शायद वो गलती कर रहे हैं। इस वक्त नीचे स्तरों पर बाजार में एंट्री का अच्छा मौका है। अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास करीब 2.25 लाख करोड़ का कैश है। आज नहीं तो कल ये कैश बाजार में लगेगा और बाजार फिर से उतर की चाल पकड़ लेगा। तो ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट फायदे के फंड में आपके लिए, जो हमने खास तौर पर यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। हालांकि जाते जाते ये बात आपको हम बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई रिपोर्ट है। बाजार में पैसा लगाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें। फायदे के फंड का एक खास एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे अन्य वीडियोस के लिए देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट
और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।